नमस्कार दोस्तों, आज अपने सेकंड लेसन में जो गुप्तकालीन अपना गुप्त साम्राज्य जो चल रहा था उसमें अपने आगे बात करेंगे गुप्तकालीन कला साहित्य और विज्ञान के विकास की। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने बात करते हैं वास्तुकला की। वास्तुकला में जो गुप्तकालीन मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं और नागर शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि गुप्त काल से पहले भारत में जितने भी मंदिर बनते थे वो इस प्रकार से कमरे की तरह बनते थे। नागर शैली में क्या हुआ, नागर शैली के अंदर शिखर युक्त, यानी कि जैसे वर्तमान में मंदिर होते हैं इस प्रकार शिखर युक्त मंदिर बनना जो सबसे पहले प्रारंभ हुए वो गुप्त काल के अंदर हुए। तो एक तो आपको शैली याद रखनी है, नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। नागर शैली की दो उप शैलियाँ हैं, एकायतन और पंचायतन। तो राजस्थान के जो अधिकतर मंदिर है वो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। अब देखिए, इसमें चार पांच विशेष चीज़ें रहती है। जैसे ये मंदिर बन गया, इसके ऊपर ये शिखर लगा दिया, ठीक है। अब जहाँ पर मुख्य देवता, देव या देवता की जो मूर्ति होती है रखी जाती है, उस स्थान को गर्भगृह बोलते हैं। ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं। गर्भगृह से क्या आशय है, यानी कि गर्भगृह किसे कहते हैं, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाए वो गर्भगृह है। परदक्षिण पथ या परदक्षिण परिक्रमा, जिसको अपने फेरी लगाना कहते हैं, मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाना, वो क्या कहलाता है, परदक्षिण पथ। शिखर के ऊपर एक कलश बना हुआ होता है, यानी कि एक मटका होता है, जिसको क्या कहते हैं, मंगल कलश। यहाँ जो मंदिर के जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी उसके सामने का जो स्थान होता है वो होता है सभा मंडप या मंडप, यानी कि जहाँ भक्तजन बैठते थे, बैठकर आराधना करते थे या भजन वगैरह सुनते थे। मुख्य जो दरवाजा है, मेन जो गेट है, उसको तोरण द्वार कहते हैं, उसको तोरण द्वार कहते हैं। ये नागर शैली की विशेषता है और उसकी शब्दावली है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए, मंदिरों के श्रेष्ठ उदाहरण कौन से हैं। देवगढ़ का दस अवतार मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। देवगढ़ का दस अवतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है और शिखर युक्त मंदिर का ये पहला उदाहरण है। यानी कि सबसे पहला शिखर वाला मंदिर कौन सा था, देवगढ़ का दस अवतार मंदिर। ये 2019 के फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तिगवा स्थान है उसका विष्णु मंदिर, नाचना कुठार स्थान है उसका पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मी मंदिर। ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है, बाकी गुप्त काल के अधिकतर जो मंदिर हैं वो पाषाण यानी कि पत्थर से बने हुए हैं। अब अपने बात करते हैं चित्रकला की। तो चित्रकला में अपने को गुप्त काल की दो गुफाएं मिलती हैं, एक अजंता और एक बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ना, उनकी संख्या 29 है, बाघ की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या 9 है। एक तो संख्या का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो क्या, अजंता में गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। जो अजंता की गुफा संख्या 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है, यानी कि मरने वाली सी राजकुमारी दिखाई गई उस चित्र के अंदर। मरणासन राजकुमारी का चित्र है जिसे भारतीय चित्रकला का डायमंड चित्र कहते हैं, भारतीय चित्रकला का डायमंड चित्र कहते हैं। गुफा संख्या 17 में जितने चित्र बने हैं उसको चित्रशाला कहते हैं, इसके चित्रों को चित्रशाला कहते हैं, इसके चित्रों को चित्रशाला कहते हैं। और गुफा संख्या 17 में क्या है, माता और पुत्र का चित्र है वो बना हुआ है, माता और पुत्र का चित्र है वो बना हुआ है। अब बात करते हैं अपने गुप्तकालीन साहित्य की। तो देखिए, गुप्त काल में साहित्य कला और विज्ञान में अथक विकास हुआ, साहित्य में बहुत सारे विद्वान थे। यहाँ पर यदि मैं किताबों की बात करूँ तो 50+ हो जाएंगी। उसमें से कुछ किताबें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे शासकों में या जानकारी स्रोत में अपने लिख के आए, वो मैंने यहाँ दोबारा रिपीट नहीं की, वो आपने वहीं से पढ़नी है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, तो उतनी किताबें आपके काम की नहीं है। जितनी मोस्ट किताबें हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं वो मैंने सारी डाल दी हैं, कुछ पहले और कुछ अभी। जैसे कालिदास, तो कालिदास की वैसे साथ ही मैं यहाँ पर तीन का ही जिक्र कर रहा हूँ, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन किताबें याद रखनी है। इसके अलावा यदि मैं कालिदास की
बात करूं तो दो नाटक और इम्पोर्टेंट थे, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो उर्वशी। उसके बाद में शूद्रक मृच्छकटिकम, अमर सिंह का अमरकोश, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ईश्वर कृष्ण का संख्यकारी का, दिग्नांक प्रमाण समुच्चय। दिग्नांक का जो प्रमाण समुच्चय है ये मध्यकालीन न्याय की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। और प्रवसेन का सेतुबंध, प्रवसेन का सेतुबंध, ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तो एक बार फिर से, वास्तुकला गुप्तकालीन मंदिर नागरशैली के बने हैं। नागरशैली का श्रेष्ठ उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नागरशैली में होता क्या है, तो मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है, उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो मंगल कलश जो मटका रखा हुआ होता है वो मंगल कलश हो गया। इसके अलावा और बात करूं, सभा मंडप जहां पे अनुयायी बैठते हैं वो सभा मंडप हो गया। इसके अलावा तोरण द्वार मुख्य दरवाजे को कहते हैं। तो देवगढ़ का दस अवतार मंदिर, तिग्मा का विष्णु मंदिर या भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये सारे महत्वपूर्ण उदाहरण है। चित्रकला की बात करूं तो अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है और बाकी गुफाओं की संख्या 9 है। अजंता के अंदर दो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, कौन कौन सी, 16 और 17। 16 में मृणासन राजकुमारी का चित्र है, 17 में माता पुत्र का चित्र, और 17 के चित्रों को चित्रशाला कहते हैं। साहित्य की बात करूं तो कालिदास, रघुवंश, कुमार संभव और ये सारी किताबें हैं। शूद्रक की मृच्छकटिकम, अमर सिंह की अमरकोश, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, सांख्यकारी का जो है वो कृष्ण ईश्वर की, और दिग्नांक का प्रमाण है समुच्चय, ये सारी किताबें हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या विकास हुआ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्यभट्ट की भी। सबसे इंपॉर्टेंट आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का जन्म 470 ईस्वी में होता है भी, ठीक है। गणित और ज्योतिष शास्त्री थे, एक आपने ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, गणितज्ञ व ज्योतिष शास्त्री थे। ग्रंथ की यदि मैं बात करूं तो आर्य भट्टियम, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत इसके भाग हैं। तो आपके किताब में इसके भाग को ही एक ग्रंथ बनाया गया है, कौन सा, 10 गीतिका, 10 गीतिका, ये इसी का एक भाग है, इसी का एक भाग है। या इसके अलावा इसमें मैं बात करूं तो अवशिष्ट शतक भी इसका एक ग्रंथ है। इसके अलावा जो भास्कराचार्य थे ना, भास्कर प्रथम ने क्या किया, आर्यभट्ट के जितनी भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों पर टीका लिखी। टीका का मतलब होता है छोटी सारांश किताब लिख देना, छोटी सारांश किताब लिख देना। इसके बाद में मैं बात करूंगा ब्राह्महीर की, ब्राह्महीर की बात करूंगा इसके बाद में। ब्राह्महीर यूनानी ज्योतिष, ब्राह्महीर जो थे वो यूनानी ज्योतिष और फलित ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। यदि मैं इनके ग्रंथों की बात करूं, ग्रंथ की बात करूं तो पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका इनका मुख्य ग्रंथ है, पंच सिद्धांतिका इनका मुख्य ग्रंथ है। इसके अलावा वृहत जातक, वृहत जातक भी इनका क्या है, एक अन्य ग्रंथ है। इसके अलावा ये खगोल शास्त्री भी थे, इनको खगोल शास्त्र का ज्ञान था, खगोल शास्त्री थे ये
खगोल शास्त्री भी थे। इसके बाद में मैं नेक्स्ट व्यक्ति की बात करूँगा तो ब्रह्मगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट यदि मैं व्यक्ति की बात करूँ तो नेक्स्ट व्यक्ति ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त जो थे ना, इनका जो ग्रंथ है वो ब्रह्म सिद्धांत है। ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त ही वो व्यक्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उसको कोई नाम नहीं दे पाए, इसलिए वो इनके नाम से पेटेंट नहीं हुआ सिद्धांत। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अब वर्तमान में किसका माना जाता है? न्यूटन का। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के अंदर ये बताया कि पृथ्वी के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित है वो करती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो वांग भट्ट और वांग भट्ट का ग्रंथ था अष्टांग हृदय। के अंतर्गत वो क्या करते हैं, वो अपने को हृदय रोग के बारे में जानकारी देते हैं। और इसके अलावा पाल काप्य, इन्होंने हस्योवेत नामक ग्रंथ लिखा। हस्योवेत यानी कि हाथियों के रोग के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी, हस्योवेद किताब लिखी। तो ये सारे क्या थे, खगोल शास्त्री था, कोई गणितज्ञ था। तो कला साहित्य का बहुत ही जबरदस्त जो विकास है वो गुप्त काल के अंतर्गत होता है। इसके अलावा यदि मूर्ति कला की बात करूं तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, जिसकी बात अपने मंदिरों में करके आए हैं, देवगढ़ के दशावतार में शेष नाग सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में लगी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति, जो कि भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर विराजमान है, वो मूर्ति बहुत ही मुख्य मानी जाती है। इसके अलावा सुल्तानगंज बिहार के अंदर अपने को महात्मा बुद्ध की 1 टन तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट मूर्तियों में मानी जाती है। तो कला साहित्य और विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन था। थोड़ी सी लास्ट चल रहा है ये अपने गुप्त काल का, तो आर्थिक जीवन भी आपके दिया हुआ है। तो आर्थिक जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भी। आर्थिक जीवन है कृषि और पशुपालन पर आधारित था। अब यदि कृषि की बात करें तो उन्नत गुणवत्ता वाले बीज यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। तो और जो लगभग 3 फसलें हैं वो ली जाती थी। पहली जो फसल है वो श्रावण में, दूसरी बसंत में, और तीसरी जो है चैत्र या वैशाख माह में फसलें हैं वो ली जाती थी। अमरकोश में भूमि के प्रकार हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। भूमि जो सिंचाई है वो रहट से की जाती थी, जिसको घंटी यंत्र भी बोलते हैं। पशुपालन में आप ये मानो कि पशुपालन किसका व्यवसाय बताया गया था? वेश्यों का व्यवसाय। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेश्य लोग जो अपने वर्ण व्यवस्था करके आए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शूद्र, तो जो वेश्य लोग थे ना वो क्या करते थे, अधिकतर पशुपालन का कार्य है वो करते थे। इसके अलावा पालतू पशु है वो उनको पाला जाता था, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, बिल्ली ये आदि। उद्योगों की बात करें तो धातु उद्योग यहाँ पर विकसित था। लगभग 22 प्रकार के रत्न हैं वो बनाए जाते थे। रेशम का उद्योग बड़ा ही विकसित था इस समय। इसके अलावा जो भूमि कर था वो 1/6 था। कर कितना था? 1/6 था
वो कर था, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि राजस्व के स्रोत क्या थे, भाग नामक कर लिया जाता था। भाग ये क्या था, एक कर था। भाग क्या था, एक कर था। भोग भी एक कर था। देखिए दोनों में अंतर क्या है, भोग जो भाग था ना वो तो भूमि का उत्पादन था, ये कर था, कृषि कर था, आप ये कह सकते हो कृषि कर, कृषि कर था। भोग क्या था, प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो कर लिया जाता था, जैसे राजा को फल दे दिए, सब्जियां पहुंचा दी राजा के राजमहल के अंदर, ये क्या था कर, इस प्रकार का कर था। तो गुप्त काल के अंदर वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें, उसके बाद में आर्थिक जीवन में आपने ध्यान रखना है, कृषि और पशुपालन। तो कृषि कार्य किए जाते थे, उन्नत बीज बोए जाते थे, तीन बार फसलें ली जाती थी, ठीक है, जैसे अपने पढ़ते हैं रवि खरीफ और जायद की फसलें, वैसे ही यहाँ पर तीन फसलें ली जाती थी। पशुपालन वैश्य करते थे। भूमि कर एक बटे छः था, जिसको क्या कहते थे, भाग कर कहते थे, जबकि भोग कर राजा को प्रतिदिन मिलने वाला कर फल और सब्जियों के रूप के अंदर। तो ये अपना लेसन दो का जो सेकेंड चैप्टर था, यानी कि गुप्त साम्राज्य, ये भी आपका पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपने दो नंबर चैप्टर में ही बात करेंगे हर्ष वर्धन, हर्षकालीन भारत की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।